महाना क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। तो सीट असाइन करने के बाद है तो 403 तो सदस्य हैं, तो सीटें 379 थी तो 403 करना था पहले, फिर 403 सीटों के बाद 10-12 सीटें और बढ़ानी थी, इसलिए क्योंकि जो माननीय मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है काउंसिल से आते हैं उनके लिए भी वहां पर सीट होनी आवश्यक थी, तो हमने 37 सीटें बढ़ाई हैं विधानसभा उसी सिस्टम में उसी के अंदर। 37 सीटें बढ़ाने के बाद उसमें हर सीट के ऊपर हम एक टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, फिक्स्ड होगा वो, सारे मेंबर्स को अपनी सीट से ही बोलना पड़ेगा, उनका जो टैबलेट होगा उनको कोड से या फिर उनके फिंगरप्रिंट से वो ऑन होगा, तो दूसरी को बैठ कहीं भी सकता है लेकिन अपना भाषण देना है तो आपको वहीं से देना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। दूसरी बात, आपको पूरा का पूरा हम एजेंडा उसी के ऊपर आपके टैबलेट पर होगा, आपके डिवाइस पर होगा जो आपके सामने पड़ा होगा, क्वेश्चन भी उसी के ऊपर होंगे और आंसर्स भी सवेरे 10:30 बजे उसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि जिस समय आंसर्स उतरी जिस समय हम लोग आंसर्स देना शुरू करते हैं पीछे लॉबी में तो वो भी उसी में आएंगे। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्यों को प्रश्न करने का भी अवसर मिले, अपनी बात कहने का भी अवसर मिले, इसीलिए आज विधानमंडल दल के नेताओं की मैंने बैठक बुलाई थी जिसमें मैंने ये सारी की सारी बातें रखी, उनको मैंने वहां पर जाके दिखाया भी असेंबली के अंतर्गत कि हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि सभी नेताओं ने इसका स्वागत किया और सबने प्रसन्नता व्यक्त करी। उन्होंने सीट्स जब मैंने उनको बोला कि देखिए कहाँ सीट्स बढ़ी हैं तो उनको लगा ही नहीं कि यार यहाँ सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन वहां पर सीट्स बढ़ी हैं, 37 सीटें बढ़ी हैं, कम सीटें नहीं बढ़ी। माना महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी पर होगा, बजट भी उसी पर होगा, एजेंडा पूरा उसी के ऊपर होगा एक्सेप्ट ऑफ डिबेट्स जो होनी है, उसके अलावा बाकी सारे का सारा उसमें। इसके साथ अब इसको और सिर्फ ई विधान यहां पर विधानसभा के अंदर से समाप्त नहीं हो जाता, इसको गवर्नमेंट के हर ऑफिस के साथ जोड़ने का भी काम हमारा जारी रहेगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट को जाती हैं गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स को यहां से सूचनाएं जाती हैं, जो सूचनाएं मांगी जाती हैं उसको भी हम ऑनलाइन करेंगे, वो अभी प्रोसेस में रहेगा, उसको हो सकता है कि अगले विधानसभा के सत्र तक, अगले सत्र तक हो जाएगा, इस विधानसभा के अगले सत्र तक हो जाएगा, ई विधान में हर चीज होगा। इसमें एक वो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देश भर की विधानसभा एक पोर्टल के ऊपर आकर जुड़ेंगे, एक स्थान के ऊपर आकर जुड़ेंगे, हर विधानसभा के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है सारे देश की विधानसभाओं को इससे जानकारी मिलेगी। बाकी वो पेपरलेस वो तो ऑब्वियसली वो है ही है, मेरा चश्मा छूट गया है कहीं, देखो कहीं गिर गया होगा वहीं सीट ईट के ऊपर, ये नीचे से देख लेना, एनीवे नहीं है, मैं चेक कर लिया, चलो वो इसमें मैंने ये आज बातचीत में सभी माननीय नेताओं से विधानमंडल के नेताओं से रिक्वेस्ट करी है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सकें, उसमें क्या सुझाव आ सकते हैं, तो हम जो प्रश्न करता होगा अभी माननीय मंत्री उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि सब लोगों के पास वो प्रश्न का उत्तर अवेलेबल नहीं होता जिसके कारण उनको अनुपूरक पूछना पड़ता है, तो अब जब उत्तर भी आपके डिवाइस के ऊपर उपलब्ध होगा तो प्रश्न के साथ उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा और पहले से ही अनुपूरक प्रारंभ हो जाएगा, पहले अनुपूरक प्रारंभ होने से समय बचत होगा ताकि अधिक लोगों को उसका अवसर मिल सके अपनी बात करेंगे। हर प्रश्न पर दो अनुपूरक अलाउड होंगे, जो सदस्य प्रश्न कर रहे हैं अगर एक प्रश्न कई सदस्य कर रहे हैं तो सबको एक प्रश्न करने का अवसर मिलेगा, अगर चार लोग प्रश्न करता है तो उसमें दो के ऊपर बात लागू नहीं होगी, सबको एक एक क्योंकि सबने प्रश्न किया उसको, दो के ऊपर एक प्रश्न और नेता प्रतिपक्ष कर ले या फिर नेता कर ले उसको 2+1, इससे समय की बचत होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। समय हमने इसलिए नहीं बचाना कि समय बचाना है, समय इसलिए बचाना कि जब मैंने मेरे से ये अपेक्षा करी है सब लोगों ने, सभी राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी नेताओं ने कि हम ज्यादा से ज्यादा अवसर दें, तो ज्यादा से ज्यादा अवसर उसी टाइम के अंतर्गत दिया जा सकता है। विधानसभा की कार्रवाई अभी DD News के ऊपर आती है, हम सबको मालूम है
हम उसको लाइव फेसबुक पे भी करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जनता से चुनकर आया हुआ जनप्रतिनिधि कि जनता देख सके कि हमारे चुने हुए माननीय सदस्य की पार्टिसिपेशन विधानसभा में कितनी है और कैसी है। इससे अवेयरनेस में, इसको बात को अवेयरनेस के नाते से कह रहा हूं कि मेंबर्स में भी अवेयरनेस आएगी ताकि वो उसमें अपना रहें। नोटिसेस दी जाती थी, नोटिसेस जैसे उदाहरण के लिए नियम 301 की नोटिस दी जाती थी, तो हमने ये तय किया है कि नियम 301 की नोटिस हम लेंगे, लेकिन जो सदस्य एब्सेंट होगा हम उसकी नोटिस को नहीं लेंगे। होता यह है कि हमने नोटिस लगा कि हम घूमने चले गए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जिस मेंबर का इंटरेस्ट है उसको ले लें। तो नोटिसेस में भी हम इस प्रकार करेंगे। नई विधानसभा नए स्वरूप में नए प्रकार के कार्यशैली के अंतर्गत आएगी, इसके लिए आज मैंने सभी विधानमंडल दल के नेताओं से रिक्वेस्ट करी थी, उनके साथ बहुत एक सकारात्मक चर्चा हुई है। विधानसभा का सत्र 23 तारीख से आहूत किया गया है, 22 तारीख को बहुत सारी बैठकें होती हैं, आपको मालूम है, सब आप लोग विधानसभा कवर करते हो कि नेताओं की बैठक होती है, कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। 20 और 21 को जो नए सदस्य हैं उनका प्रबोधन कार्यक्रम होगा, 20 और 21 को प्रबोधन कार्यक्रम होगा, उसमें 20 तारीख को देश की पार्लियामेंट के माननीय स्पीकर साहब को उसका उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक है रहेंगे, और अगले दिन जो दूसरे दिन का प्रबोधन कार्यक्रम होगा वो दोपहर तक समाप्त कर देंगे, और दोपहर के बाद असेंबली में प्रबोधन होगा ई विधान को लेकर, उसमें सारे सदस्यों को रहने के लिए निवेदन किया जाएगा, सब सदस्य रहे, इंक्लूडिंग एवरीबडी, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करके बोलूँ, क्योंकि सबके लिए वो नई व्यवस्था होगी, सबको उसमें से सीखना पड़ेगा। तो दोपहर का जो प्रबोधन वाला कार्यक्रम होगा वो ई विधान से संबंधित विधान मंडप में होगा। पहले सत्र में हमारा प्रयास होगा कि हम हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल कराएं, क्योंकि पहला ही सत्र होगा तो पहले ही बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे सीखना उसके अंतर्गत बहुत सारे सदस्यों के लिए बोलना हो सकेगा, तो पहले सत्र में हम हार्ड कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे, सॉफ्ट कॉपीज भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि दूसरे तीसरे सत्र तक हम हार्ड कॉपीज विड्रॉ कर लें और पूरी विधानसभा को पेपरलेस कर दें। विधानसभा से संबंधित मुझे अभी मेरे ख्याल है कोई पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को ध्यान में आ रहा हूँ, कभी हो सकता है। मैं प्रमुख सचिव के चश्मे से बता रहा हूँ आपको। ये बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हमारे प्रमुख सचिव साहब के लिए कि इसमें जो ई विधान के लिए है ना, क्योंकि नए मेंबर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी, उसमें जो हमारे मीडिया के सम्मानित मित्र यहाँ पर बैठे हैं, भाई बहने बैठे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि इसमें थोड़ा सा और इसको प्रमोट कर दें ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक तक भी और उस मेंबर्स तक भी उसमें हो सके जाएंगे। अगले हम इस बार तो क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, 23 तारीख के नाते से कह रहा हूँ, अगले सत्र तक जो पत्रकार दीर्घा में उसमें भी हम बड़ा वाला स्क्रीन भी लगाएंगे और टैबलेट्स भी हम उसमें लगवाएंगे ताकि जितना स्पेस अवेलेबल होगी वो अभी हम करवा देंगे। वो सर एक सवाल है मेरा, एक मिनट पूरी बात, एक बात सॉरी इसको पूरा, विधानसभा की वेबसाइट के ऊपर पूरे दिन की कार्रवाई होगी, वो तो मैंने आपको बताया है कि जैसे यूट्यूब लाइव होगा और फेसबुक लाइव होगा तो विधानसभा की वेबसाइट के ऊपर पूरा होगा, और पटल पर भी जो सॉफ्ट कॉपीज होंगी जो हमारे पत्रकार मित्र चाहते हैं उनको भी अभी हम इसमें उपलब्ध कराएंगे। प्रयास करेंगे अगली बार में इसको हम कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। आप मेरा सवाल ये है कि क्या ई विधान के लिए विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली बदलेंगे,
तो सर्वदलीय बैठक हो रही थी, विधानसभा अध्यक्ष बैठक ले रहे थे और विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस होने की बात